मझौली में पुलिस ने 10,300 रुपए के नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। ग्राम नेगई में एक किराना दुकान के सामने स्कूटी लेकर खड़े ग्राम काकरखेड़ा निवासी युवक के पास से पुलिस ने 500 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद कर पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि नागपुर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नकली नोटों की खेप आ रही है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि पहले भी वे अपने एक साथी के साथ मिलकर 40,000 रुपए के नकली नोट ला चुका है। मझौली पुलिस के अनुसार ग्राम नेगई में निरपत राजपूत की किराना दुकान के सामने स्कूटी लिए हुए ग्राम काकरखेड़ा निवासी अरविंद बर्मन को पुलिस ने पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसकी पैंट की जेब में 500 रुपए के 11 नोट एवं 200 रुपए के 24 नोट इस प्रकार 10,300 रुपए के नकली नोट मिले। इन नकली नोटों के दाहिने हिस्से के खाली जगह पर गांधी जी की फोटो नहीं दिख रही थी और करेंसी नोट के दाहिने हिस्से की पट्टी में नोट की राशि भी नहीं दिख रही थी। 200 रुपए के 24 नोट में एक ही सीरियल नंबर लिखे हुए थे। इस प्रकार 500 के 10 नोटों पर एक ही सीरियल नंबर तथा 500 के एक नोट पर दूसरा सीरियल नंबर लिखा था। नकली नोट के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि अपने एक साथी के साथ नागपुर महाराष्ट्र से असली 4,000 रुपए के बदले 10,000 के नकली नोट लाए थे और अभी तक 40,000 रुपए के नकली नोट ला चुका है।